सबसे पहले तो आप सभी लोगों का थैंक यू, सभी लोगों का को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोग आए और एक स्पेशल डे है मेरे लिए कि आज हमने अपने फिल्म आवारा बलम का पोस्टर भी लॉन्च किया है और साथ ही आज अनाउंस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट फिल्म। पीएनजे फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है इसको, जिसके प्रोड्यूसर हैं निशिकांत सर। मुझे ये प्रभार दिया गया है इनके तरफ से नेक्स्ट मूवी वापस डायरेक्ट करने के लिए। और हमारे स्टारकास्ट होंगे कल्लू, म्यूजिक डायरेक्टर ऑलरेडी पहले से जो मेरी पिछली फिल्म में थे, घुंगरू जी अविनाश जी वो करने जा रहे हैं। तो ये मेरी जो नेक्स्ट फिल्म होगी उसका नाम है कौन बोलेगा, साथ में बोले एक साथ, कल्लू की दुल्हनिया। जी हाँ, मेरी नेक्स्ट फिल्म का टाइटल होगा कल्लू की दुल्हनिया। और ये एक अलग तरह की कहानी होगी, फैमिली ड्रामा तो होगी ही, बट इसमें सात हीरोइनें होंगी फिल्म में, कल्लू के अपोजिट में। और सातों अपना दावा पेश करेंगी कौन होगी कल्लू की दुल्हन है, और फाइनली कौन बनेगी कल्लू की दुल्हन, वो हम कोशिश करेंगे दिखाने का। दूसरा यूएसपी ये है कि इस फिल्म में हम कोशिश करेंगे कि सात स्टेट की हीरोइनें हैं हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास तो बिहार, यूपी और बंगाल और गुजरात की आई, बट कोशिश करेंगे कुछ फ्रेशर्स भी आए फिल्म में। तो ये हमारी नेक्स्ट फिल्म है जिसका नाम है कल्लू की दुल्हनिया। थैंक यू वेरी मच। अरविंद, दुल्हनिया के लिए कोई खास तौर की रिक्वायरमेंट कि अगर कल्लू की दुल्हनिया बनना है तो भाई ये खूबियां होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मीडिया का नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी को फिर से मेरा सादर प्रणाम। आप लोग हमें अपना प्यार देने के लिए इतनी भारी मात्रा में उपस्थित हुए, थैंक यू सो मच आप सभी को। और बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, कोई भी बैनर से अगर रिपीट वहीं पूरी टीम होती है तो इसके लिए सारी टीम को के लिए खुशी की बात होती है। पीएनजे फिल्म्स के द्वारा ये कल्लू की दुल्हनिया का अनाउंसमेंट हुआ, थैंक यू बोलना चाहेंगे निशिकांत सर को और चंदन सर को। रही बात कल्लू की दुल्हनिया का, तो सात हीरोइन इसीलिए रखा जा रहा है कि जिसमें वो क्वालिटी होगी हमारी दुल्हनिया बनने के लिए वही परफेक्ट होगी। तो फिल्म का नाम है कल्लू की दुल्हनिया, तो देखते हैं हमारी दुल्हनिया कैसे हुई, ये डिसाइड चंदन सर और हमारे चाचा जी निशिकांत सर करेंगे। निशिकांत जी बताइए कल्लू की दुल्हनिया के बारे में जरा बताइए, सात लड़कियां होंगी, फाइनलाइज की जाएंगी। अभी तो हमने फिल्म लाइव देखी है, कुछ नजर में है जो कि कुछ दिनों में सबको अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन क्या ना अभी चल रहा है, जैसे इन्होंने चंदन जी ने बोला कि अलग अलग स्टेट से लोग अच्छी अच्छी आर्टिस्ट को ला रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ पुराने भी आर्टिस्ट रहेंगे, कुछ नए भी आर्टिस्ट होंगे, लेकिन सभी को ले करके चलना है। और ये लेकिन सभी के समान रूप से उतना ही काम है जितना कि ये नहीं कि एक हीरोइन के लिए बहुत ज़्यादा लीडिंग रोल है उसके बाद दूसरे के लिए नहीं है, इसमें सभी को लीडिंग रोल है ना, सबका साथ में लेकर के जाना है। वो तो आगे जा करके देखेगा फिल्म में क्या होगा, लेकिन दुल्हन एक ही बनेगी है ना, जो अपने समाज में होता है, लेकिन उम्मीदवार रहेगी साथ, सबका साथ सबका विकास। नहीं बट सबका विकास नहीं होगा, दुल्हन तो कोई एक ही बनने वाली है, नहीं विकास तो बाद में विकास होगा, यस एक्चुअली विकास दो साल बाद, पहले चुन लेते हैं बाद में विकास करेंगे। कल्लू, मैंने सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, जब कल्लू असल जिंदगी में भी दुल्हन ढूंढेंगे तो क्या खूबियां होनी चाहिए कल्लू की दुल्हन बनने के लिए? देखिए जानना चाहता हूँ, मैं जहाँ से हूँ बिहार से बक्सर का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ हमने यहाँ लड़का ना डिसाइड कर सके हमारे दुल्हन कैसे होने चाहिए, हमने यहाँ जो बड़ बुजुर्ग होला हुए लड़की देखेला और जौन कह दस कि ना ठीक लड़की भी है तब लड़का के शादी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बड़े भाई हैं चंदन भैया, हमारे चचा जी हैं, ये देखिए हमारे चचा नहीं हमारे सर हैं जिनसे हम लोग सीखते हैं, तो इतने बड़े बुजुर्ग लोग हैं हमारे घुंगरू सर हैं, तो ये लोग जिसको डिसाइड करेंगे नहीं अच्छी है क्योंकि इन लोग का एक्सपीरियंस है नहीं, इनको नहीं है। चलिए हम लोग फाइनल करेंगे, हाँ हमारी एक यही रहेगी कि जो भी आए हमारे लिए बहुत संस्कारी है, सुशील है, मतलब बड़ों का इज्जत करें, हमारे माता पिता का सेवा करें। नहीं लेकिन कोई तो मतलब सोच तो होगी कि ये आप काम करते हो एक्ट्रेस के साथ, कोई पसंद आई होगी, या बॉलीवुड में बहुत सारे लोग दीवाने होते हैं, फैन होते हैं, वैसे कोई हीरोइन पसंद है कल्लू को खासतौर पर भोजपुरी या बॉलीवुड से ही? हीरोइन से शादी नहीं के करे के, नॉर्मली गांव की जो लड़की होगी वही हमको पसंद है। क्यों, यहाँ की कौन सी कमी होती है अपने काम में? दिल मिलना चाहिए,
काम अलग है, फैमिली अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, नो रिलेशन, प्रोफेशन प्रोफेशन होता है। और हीरोइनें अच्छी हैं, सभी हमारी दोस्त हैं, हीरोइन से दोस्ती बहुत अच्छी है। हमारी जो दुल्हनियाँ होगी कल्लू की दुल्हनियाँ, वो हमारे चंदन सर डिसाइड करेंगे। मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया पूरा विश्वास करके, जैसे आवारा बलम में छोड़ दिया था बलम को आवारा बनाने के लिए, वैसे ही कल्लू की दुल्हनियाँ खोजने का जिम्मा आज से इनका है। तो ये जैसा बोल देंगे ये लड़की परफेक्ट है तो परफेक्ट है। ढूंढनी तो अभी शुरू हो जाएगी क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, सात हीरोइन है यहाँ, तो एक हीरोइन का हीरो के साथ बॉन्डेशन बनाना और पूरी टीम के साथ उनका बॉन्डेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट मेरे साथ तो सात सात दुल्हनें होंगी। तो ये दुल्हनें वैसे ही सेट पे भी रहेंगी जैसे वो प्रॉपर लाइफ में दुल्हन बनके और पूरे एक घर को, एक फैमिली को जैसे वो सजाती हैं और उनको रखती हैं, वैसे ही मुझे वो दुल्हनें भी चाहिए जो सेट पे जाके बिहेवियर उनका सिंपल हो, जैसे एक घर के बहुरानी जैसा बिहेवियर होता है, बहुत सिंपल तरीके से रहना और बहुत कोऑपरेटिव होना, सबको साथ रखना। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी दुल्हनें होंगी वैसे ही आए सिनेमा में भी, और साथ तो कोशिश तो है, अब आज अनाउंस किया है तो कल से हम शुरू कर देंगे इसकी सर्चिंग कि जल्द से जल्द जैसे ही मुझे सातों हीरोइन मिल जाएंगी हम लोग अनाउंस करेंगे डेट का कि कब से हम जा रहे हैं और आप लोगों को इन्फॉर्म करें। कल से शादी.com पे मेरा फोटो चला जाएगा, जितने भी दुल्हनियाँ बनना चाहती है हमारा जल्दी से इनका नंबर लेकर व्हाट्सएप अपने फोटो भेजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।